Hey guys, कैसे हो आप सब? I hope सब मस्त स्वस्थ एक नंबर ला रही है, लूट रहे होंगे। वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल गाइस। आई नो कि ये मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे रियाद में, बट इसको एंड करूंगा मैं अलकसीम में, अलरस में, अपने रूम पे, क्योंकि आज मुझे जाना है अलरस और मैं दिखाऊंगा जर्नी की रियाद टू अलकसीम। यही होगा आज का टाइटल भी। और अभी मैं गया था सुबह में एयरपोर्ट, लड़की बुड्ढी को छोड़ के चला हूँ, बुड्ढी की जिद्दा, और अब जा रहा हूँ एक लड़की को लेके, उसको जहाँ हमेशा जिसको छोड़ता हूँ चाचू के रूम के बगल में छोड़ के, एंड उसके बाद मैं चला जाऊँगा डायरेक्ट अलराजी बैंक में, क्योंकि मेरा कार्ड है, एटीएम कार्ड जो है उसका पासवर्ड मैं गया हूँ भूल, एंड फिर वो कोई काम का नहीं रहा, नया निकलवाना पड़ेगा। देखता हूँ नया निकलवाना पड़ेगा, अगर जो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से आगे, और जिन लोगों ने अभी तक अजमल खान डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दो, बेल आइकन दबा के। मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? एरिया दिखा दे कहाँ है, चलिए देख लीजिए एरिया। नई आबादी सब, ये सब हमारे पहले दादा था भे, दादा दे दिए, बाँट दिए सबको, समझ रहे हो? तो हमारे दादा वादा, दादा परदादा लोग रहते थे, अब ना छोड़ के चले गए हैं, नहीं तो पहले राज था अपन इधर। भाई देखो रे, बाप रे, सारी बांध के साला ले जाता, देखा था ना? औकात से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, लगा था कि बम्बई का घर बना था, बम्बई का बला था, यही तेरा रहा था बलात, यहाँ पे ब्लॉक बोलते हैं वहाँ पे बलात बोलते। और यही देख लो नज़ारा, ये लौक रहा है, और तेरिया देखो बिरेकर लौक रहा है, बिरेकर वो जो मस्जिद दिख रहा है, ये मस्जिद जो दिख रहा है, इसमें हम एक दिन नमाज पढ़ा था बस एक दिन। तो मिलते हैं दोस्तों, बकचोदी बहुत हो गई, आप लोगों से मिलते हैं। ये देखो बंदे काम कर रहे थे, करो मसाला खींचा जा रहा है रस्सी से, हम करें क्या जरीर में कहीं लोग की दवाम है, जरीर है भाई, पाँच नंबर पे इच्छा, हाँ पाँच नंबर का जरीर है ये, इसमें से मैं मोबाइल खरीद के एक बार लेके आया था दोस्तों। बड़ी धूप है इसी में, पार्किंग लगा बंचुत, कोई पार्किंग नहीं मिलती। अब यहाँ से निकलेंगे तो डायरेक्ट अलकसीम जाएंगे एकदम अलरस। तो ये अपन अलरस में आ गए, ये अपने पुराने यार शेखर भाई, अरे इनसे बड़ी यादें जुड़ी हैं यार, और ये बड़ा याद आ रहा था, ये रास्ता, ये सुडानी उडानी सब याद आ रहे थे, ये भी सुडानी याद आ रहा था। कौन से सुधानी से कम है? गुरु मुन्ना बुलाए, मुन्ना आओ पानी लेके चला जाए, देख लो सद्दाम भाई, देख लो यही हमारा एरिया है साहिल भाई, आप सब देख लो, एकदम शांत एरिया है ना, कोई भिन्न न भान, एक नंबर की, ये बड़ा सुकून की एरिया है। लेकिन हाँ, जितना मजा रियाद में यहाँ ना है गुरु, बाकी चलो ठीक है, ठीक है। हेलो, कहाँ जाता हूँ? विश्वास फोन कर ले रहा था कि हमसे मिल जाते, कई बजे फोन कर ले, पाँच बजे कर ले रहा, गए नौकरी के, जा जा मिल ले जा, क्या देखा झूठा बोले, अरे जा मत दिखावत का, जा मिल ले जा, मुन्ना आता है फिर मिलते हैं अपन। ओके ओके, आपसे मुन्ना भाई, बड़े जमाने के बाद मुन्ना भाई से बैठी आराम से, नहीं तो पनिया पलट जाई, देख देख देख, बड़ा गुरु यही सब बहुत मिस करते। ये देखो मस्जिद ये वाली, अरे कैसे साला ऐसे ऐसे पलट देते हैं तो हमारी समझ में ना हो। ये मुन्ना भाई के साथ गए थे पानी लाने, गाड़ी तो आती के साथ लड़की ले ली, अब कहीं जाना होगा तो जाएगी, मुंह मरा है हमसे का मतलब, अब पड़ेंगे तो बस अब चल के एकदम सुतबा गुरु तान के। कल रात का भी नहीं सोए हैं, एक डेढ़ बजे आए थे, सद्दाम भाई तुम देखे ही थे, इंतजार कर रहे थे खाना खा, और सब सुबह से ही दौड़ रहे थे एयरपोर्ट, फिर दवाम फलाना ढिमकाना, और यहाँ चले आए, लगातार सोए नहीं, दोपहर में नींद आ रही थी, अब खा पी के सोया जाएगा। मुन्ना भाई बस गए थे पानी लाने, अब ये भी चले जाएंगे ड्यूटी, एंड मिलते हैं आप लोगों से जब महत्ता पे जाएंगे खाने के लिए। तब यार गुरु यहाँ आने के बाद तो नींद लग रही है भाई, इतना ज़्यादा नींद अलरस पे, तो इतने टाइम पे रियाद में, इतने टाइम पे मैं बुड्ढी के सिग्गा पे बैठ के इंतजार करता था, बिना मतलब के, बिना मतलब के इंतजार करो, इंतजार इंतजार इंतजार, और रियाद से आए यार, दोस्तों की याद आ रही यार, किराबा तेरी याद आ रही रे, कोई बात नहीं, दो चार दिन की बात है, फिर आ जाएंगे, फिर तांडव करेंगे साथ में, हाँ भूल मत जाना रे हमको, मिलते हैं।
यार सचिवालय तो मी सोच के चल रहे की खाए पिए कम की दिक्कत परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ की बात यार गुरु क्या आवाज मिल गया, चावल बनाई थी साग मुर्गी का हुआ नवा फोन किस करके आज मैं ला हम गाड़ी लेके आई थी चल, लेकिन ना ही एक तो उम्मीद होती आदमी पूछे के तो बहुत आदमी पूछे थे, अब तो आगे घर से क्यों निकाल दी तो कहा तो क्यों घर में जगह ना दी, बहुत आदमी जगह दिए घर में, लेकिन नहीं होती ना कि हमारे ये इंसान पर उम्मीद है हमारी साथे रही, जब वो इंसान ना साथे रहता ना तो बाकी कितनों के खड़ा रहे साथे फायदा ना कोनो का, चलो कोई बात नहीं होटल पर खा ले बन। दाढ़ी वाड़ी एकदम मस्त सेट हो गई, मुन्ना फोन करके गड़बड़ा दिया यार, टाइमर लगाए थे एक नंबर की, बस दाढ़ी सेट करवाए हैं, बाल कहेंगे रहने दो अगली बार जब आएंगे तो बाल बनेगा, नहीं तो रियाद में चल के फिर जब बढ़ेगा तो बन जाएगा। तो लाले को बुलाया है, अभी जाएंगे उसके रूम का खाना खाने दोस्तों, तो कैसा लग रहा हूँ बताइए जरा, छोटी नहीं कराए एक नंबर की, बस बाल है बड़ा बड़ा मुझे मालूम है इसीलिए मैं नहीं खटा, अब बढ़ने दो। आ रहा लाला एक बोला यही पे आएगा अभी, ये अलरस का ये मतलब ये रास्ता मार्केट को ही जाता है, मार्केट ही है हल्की फुल्की मार्केट, मस्त एकदम यहीं से आएगा अभी, पुराना मार्केट है अपना, पुराना बाजार है गुरु, यहाँ पे सब लोग जानते हैं अपने को, देख रहे हो ये अलरस है, देख लो रियाद में रहने वालों तुम लोग देख लो, यही अलरस का इशारा है ये, यहाँ पे कितनी भीड़ लगती है देख लो, इशारा बंद है ना, देखो कितनी भीड़ लगती है, गिनी गुथी इतनी गाड़ी, अभी इतनी गाड़ी तो कसम से एक घर में निकलेगी, इससे ज़्यादा भी रहे आदमी, देख रहो ये हमारा मोहल्ला है, कितनी गाड़ी है गिनी गुथे देख लो तो ये कितनी गाड़ी है सद्दाम भाई, ये देखो नगीना ये देख गुरु, देख रहो यार तौफीक भाई क्या है ये, इतनी गाड़ी है बहुत गाड़ी है यहाँ की मायने में तो बहुत ही गाड़ी है, इससे ज़्यादा होगी तो यहाँ जाम लग जाएगा मेरे हिसाब से, साला बद्दू भोसड़ी वाले सब बद्दू हैं इधर। तो खाना पीना हो गया, मुन्ना भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, 12 बजने वाला, अब जा रहे हैं वापस अपने रूम पे, आए थे इस तरह पे इनके ड्यूटी से बेचारा छूटा तो आया मुझे लेने के लिए, खाना खा के फिर लेके जा रहा छोड़ने, और फिर आएगा तो सो जाएगा, फिर सुबह में इसकी ड्यूटी होती है, और कल का कल देखेंगे, कल शेखर बुला रहा था बहुत, कल शेखर के पास जाएंगे, बट कोई ना याद रहेगा दोस्तों ये दिन कि हम रियाद से आए थे, किसी पे किसी से बोल के आए थे और हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, ये याद रहेगा भाई, ये नहीं कभी जाए याद रहेगा। चलो मिलते हैं डायरेक्ट आपको चल के रूम पे। हाँ दोस्तों अब रूम पे आ गया हूँ, कोई बात नहीं, ये आज का थोड़ा ये जो
चार पाँच घंटा जब से अल्ट्रास आया हूँ थोड़ा डिफिकल्ट कटा मेरे लिए, बट कोई बात नहीं। हमारे रूम की हालत देख रहे हो, बेड के नीचे का ये सब है और इतना कचड़ा है, बड़ा है लेकिन कचड़ा है दोस्त, एकदम कचड़ा भरा सारा पड़ा। तो आई होप यू ब्लॉग आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। यार मैं पता नहीं क्यों लड़बड़ा जा रहा हूँ यार, पहले नहीं लड़बड़ाता था, एकदम सट सट बोल देता था। आई होप यू ब्लॉग आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, लगता है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले यार अपने आप से ही निकलता था, अभी तो साला जबान ही लड़बड़ा हो रही है। तो बस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो, कोई बात नहीं, मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना और दिल पे मत लेना दोस्तों, ठीक है? कभी कभी मैं मुँह फट हूँ ऐसे ही बोल जाता हूँ, समझ रहे हो ना? कोई बात नहीं, हो जाता है, लोग हो जाता है, गलती सबसे हमसे भी हुई है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग से पहली बार भी हो जाता है। दिल पे मत लेना मेरी बात हो किसी बात पर, ठीक है? पूरा ब्लॉग देखना फिर समझ में आएगा लास्ट में, ऐसा ना हो कि बीच में ही देख के फिर भाग जाओ, फिर मेरे पे तन कस करो कि यार अजमल भाई तुमने ऐसा क्यों बोला, लास्ट तक देखना।